आप लोग सबने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया एंड आप दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। अब बर्थडे का जागरण यहीं खत्म करते हैं। अब चलो चलो सुबह जल्दी उठना है। हाँ। चले। अरे ये क्या पैक कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, सूट पीस है, हमारी चचेरी बहन है ना उसकी शादी में मिला था, ऐसे ही रखा हुआ था और हमें ना इसका रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो सोचा गुंजन को ही बर्थडे गिफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना, चलो तुम इतना तो कर रही हो। वैसे भी कुछ ही दिन में ये मुसीबत घर से जा रही है, फिर तो बस शांति ही शांति। करवा लेने दीजिए शैल दीदी को हम सबसे काम, फिर तो ऐसी विदाई देंगे, ऐसी विदाई देंगे कि फिर लौट कर नहीं आएगी। ताई जी प्लीज, अगर एक बार मेरी बात सुन लेती तो मैं। मयंक, हमने गुंजन से भी कहा है और तुमसे भी कह रहे हैं, जो भी बात करनी है हम शाम को करेंगे, अभी हमारे पास बहुत काम है। प्लीज ताई जी। Happy birthday. सबसे पहले अपने पापा को खिलाओ बेटा। देखा गुंजन, एक तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं, तुम्हारा बर्थडे भी मनाया जा रहा है और फेयरवेल भी। अरे एक मिनट, अब हम अपना सरप्राइज पेश करें? यस प्लीज। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, एक सेकेंड। हाँ सच में दयाल जी, इंडिया छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है हमेशा, लेकिन काम के लिए जाना पड़ता है। चल आप इंडिया छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन इंडिया आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके दिल के अंदर रहेगा। तो गुंजन बेटा कैसा लगा तुम्हारा बर्थडे? बहुत बहुत अच्छा। अच्छा भाई, अगर इतना अच्छा लगा है तो तुम कहो तो तुम्हारे जाने के टिकट कैंसिल करवा दे। इसका दिल टूट जाएगा, अब वो क्या है ना वहां बहुत मजे करेगी, और वैसे भी सारी पैकिंग तो कर ही चुके हैं, है ना गुंजन बेटा? जी। तुम्हारे लिए मिठाई पैक कर देंगे, तुम्हें पसंद आई थी ना। रसोई में रख दो। मयंक बेटा जरा ऊपर से बड़ा वाला टेबल नीचे तो लेकर आना। जी ताई जी। गुंजन बेटा तुम भी जाकर इसकी मदद करो, जाओ। अरे हम उठा देते ना। नहीं नहीं बच्चे कर देंगे, तो क्या सोचा है तुम दोनों ने? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो हम क्या जानना चाहते हैं, हमें जवाब का इंतजार है, कौन देगा? जवाब नहीं देना चाहते, ठीक है। तो तुम दोनों हमसे कुछ कहना चाहते थे ना, हमने कहा शाम को बात करेंगे, तो बोलो मयंक बात क्या थी? मैं गुंजन से प्यार करता हूं ताई जी। और वो भी